पापी दुनिया चैनल देख रही सारी दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों। तां दोस्तों इस समय की वड्डी खबर बटाला तो सामने आ रही है, जिथे कि बटाला विच एक स्कूली बस दे अग दी लपेट विच आ जाण दी खबर सामने आ रही है। अते दस्या जा रहा है कि इस बस विच 42 दे करीब छोटे बच्चे सवार सन। अते इस हादसे दौरान 7 बच्चों के अग विच झुलसे जाण दी खबर भी सामने आ रही है। अते दस्या जा रहा है कि इन्हां विचों एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। तो दोस्तों तुम दस दिए कि बटाला के पिंड किला लाल सिंह नज़दीक एक स्कूली बस अग की लपेट में आ गई, जिसके कारण इस हादसे दौरान 7 बच्चे झुलसे गए। तो दोस्तों दसया जा रहा है कि खेतों में किसी वालों नाड़ नूं अग लगाई हुई सी, जिसके कारण यह हादसा वापरिया है। तो दोस्तों दसया जा रहा है कि नाड़ की अग के कारण फैले धुएं कारण बस के ड्राइवर नूं अगे कुछ दिखाई नहीं दिंदा, जिस कारण बस का संतुलन विगड़ जाता है। बस नाल दे लगदे खेतों में जा पलटदी है, ते जिहड़े खेतों में बस पलटदी है उत्थे किसी वल्लों नाड़ नूं अग लगाई हुई सी, जिस कारण बस अग दी लपेट में आ जाती है, जिस कारण इस हादसे दौरान 7 बच्चे झुलस गए हैं, जिन्हां विचों एक बच्चे की हालत अजे गंभीर बनी हुई है। तो दोस्तों तुहानूं दस दईए कि श्री गुरु हर राय पब्लिक स्कूल किला लाल सिंह की बस बीती 4 मई की दोपहर में छुट्टी होने तो उपरंत बच्चों नूं स्कूल तो घर छड्डन जा रही सी। जदों बस नवां पिंड बरकीवाल नेड़े पहुंची तो बस के ड्राइवर ने अगे धुएं कारण कुछ विखाई नहीं दिता, जिस कारण बस का संतुलन विगड़ गया और बस नाल दे लगदे खेतों में जा पलटी। जिहड़े खेतों में बस पलटी उत्थे किसी किसान वालों खेतों में नाड़ नूं अग लगाई हुई सी, जिस कारण बस अग की लपेट में आ गई। इस हादसे दौरान 7 बच्चे झुलस गए, जिन्हां नूं हुण बटाला दे वख-वख निजी हस्पतालों में दाखिल करवाया गया है। इस मौके ते एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई दसी जा रही है। इस संबंधी पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने इस घटना से दुख का प्रगटावा किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि गुरु हर राय पब्लिक स्कूल किला लाल सिंह का बस हादसा बड़ा ही दुखदाई वाली घटना है। उन्होंने गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इसफाक तो इस संबंधी रिपोर्ट मंगी है। इस दे नाल ही उन्होंने इस हादसे दौरान जख्मी हुए बच्चों के मुफ्त इलाज करवाने के नाल नाल सरकार वालों हर तरह की संभव मदद करने की गल भी आखी है। तो दोस्तों इस समय की वड्डी खबर, जिथे कि बीती 4 मई को बटाला में एक स्कूली बस अग की लपेट में आ जाती है। दसा जा रहा है कि इस हादसे के दौरान 7 बच्चे अग में झुलस जाते हैं, जिन्हां विचों एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हां सारे बच्चों ही बटाला के निजी हस्पतालों में दाखिल करवाया हुआ है। दोस्तों इस हादसे का कारण खेतों में लाई नाड़ की अग के धुएं नूं दस्या जा रहा है, जिस कारण बस नाल दे लगदे खेतों में जा पलटदी है। जिहड़े खेतों में बस पलटदी है उन्हां खेतों में नाड़ नूं अग लगी हुई सी, जिस कारण यह वड्डा हादसा वापरिया है। इस मौके पर वड्डी गल यह रही है कि कोई भी जानी नुकसान होने तो बचा रहा है। इस मौके पर ड्राइवर पिंड वासियों ने सूझबूझ नाल सारे बच्चों नूं ही बस विच्चों बड़ी जद्दोजहद तो बाद बाहर कढ लिया। इस मौके पर इस हादसे दीआं कई वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, जिन्हां विच देखा जा सकता है कि बच्चे इस हादसे तो बाद किन्ने सहमे हुए हैं। तो दोस्तों इस समय की वड्डी खबर, तो तुसीं इस खबर बारे की कहना चाहोगे सानूं कमेंट में जरूर दस्यो। इस वीडियो में बहुत लाइक शेयर और चैनल में सबसक्राइब जरूर करो, नाल दी लगी बैल वाली आइकन दबना ना भुल्यो, तां साडियो नाल कोई वीडियो तुसीं मिस ना करो। तो इस दे नाल ही जी जी वी नेटिक संस्था ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया वो सानूं इत्थे फॉलो कर लियो, क्योंकि बहुत सारिया वड्डिया अपडेट्स तुहानूं उत्थे मिलदियां रहिंदियां हन। तां दोस्तों हुण मिलदे हां किसी होर नवीं अपडेट दे नाल, ते होर वड्डिया अपडेट्स नाल जुड़े रहने लई देखदे रहो पापी दुनिया चैनल।